हेलो दोस्तों, बेसिक विषय का ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको गिलोय के बारे में। गिलोय एक ऐसा प्लांट है, गिलोय मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा सूखा हुआ। लेकिन मैं भी यहाँ काफ़ी, जब मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो जिस पार्क में मैं वॉक करने जाती हूँ उस पार्क में काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ से काफ़ी सारे उठा के लाई थी, काट के लाई थी, ला के और मैंने सुखा के रखा था। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी बीपी उनको ज़्यादा है और उनको शुगर भी है, तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड्स ने बोले थे कि तुम उनको गिलोय का पानी पिलाओ। तो उस समय मुझे इतना वो नहीं था गिलोय कैसा होता है, फिर मैंने थोड़ा जानकारी ली गिलोय के बारे में कि गिलोय सच्ची में क्या होता है। कोई कहते हैं उसको खाली पेट सवेरे उसका छोटा सा एक टुकड़ा काट के चिबाओ, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है और थोड़ा सा जानकारी लिया है, तो गिलोई बहुत ही अच्छा एक औषधि है। आप उसको छोटे बच्चे से लेके काफ़ी उम्र तक के लोगों को भी मतलब इसको पिला सकते हैं। तो जब से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है तो मैं तब से अपने घर में फैमिली को देती हूँ, तो गिलोई उसको मैं ला के सुखा के रखी हूँ और उसको अच्छे से मैं बताऊंगी आपको कि उसको कैसे बनाना होता है। तो आज से करीब करीब 5-6 महीने हो गए हैं हमारे घर में गिलोय का पानी पीते हैं, सभी पीते हैं, दिन में कम से कम 3 बार तो पीते ही हैं। सबसे ज़रूरी मेरे हस्बैंड को था क्योंकि उनको अस्थमा भी है और शुगर भी काफ़ी ज़्यादा है, उनका प्रेशर भी काफ़ी हाई रहता है, तो दवाई तो लेते ही हैं लेकिन मैं साथ में उनको गिलोय का पानी भी देती हूँ। तो गिलोय का पानी मैं भी पीती हूँ, तो मेरा स्किन देखिए, इसका गिलोय का पानी से बाल भी अच्छे होते हैं और स्किन भी अच्छा होता है। और बच्चों को भी मैं देती हूँ, बच्चे पी नहीं पाते, थोड़ा नखरे करते हैं पीने के लिए, लेकिन मैं उनको उसमें थोड़ा सा हनी और नींबू मिला के दे देती हूँ तो वो पीते हैं। वो 3 टाइम नहीं पीते हैं बट एक टाइम उनको मैं पिलाई देती हूँ, और हस्बैंड तो तीनों टाइम पीते हैं। जैसे चाय पीते हैं ऐसे सवेरे एक कप दे दिया, फिर दिन में एक कप दे दिया, फिर शाम को एक कप दे दिया, और उसको मैं बना के स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। जब उनको पिलाना होता है तब उनको थोड़ा सा निकाल के, एक कप निकाल के और गर्म करके दे देती हूँ। तो मैं बताती हूँ अब गिलोय का पानी आप कैसे बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गिलोय, इतनी बड़ी आपको लेना है, कम से कम दो स्टिक लेनी है इतनी बड़ी। और इसका जो ये छिलका है ये ऊपर से ये निकल जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये, इसको हम चक्कू से ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका ये छिलका निकल जाएगा। निकाल के इसको छोटे छोटे पीस करने हैं, इतना 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 इसको छोटे छोटे पीस करके इसको सिलबट्टा या किसी से उससे इसको अच्छे से कूटना है। कूट के इसको कम से कम 2 स्टिक इतने बड़े आपको कम से कम 1.5 लीटर पानी में उबालना है। 1.5 लीटर पानी में कम से कम आपको इसको उबालना है 15 से 20 मिनट। उबाल के इसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके फिर उसको फ्रिज में आप और हाँ, कांच के बोतल में रखना है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं, कांच के बोतल में उस पानी को आप जब ठंडा हो जाए कांच के बोतल में आप उसको डाल के और फ्रिज में रख दीजिए। और ये पानी आपका कम से कम चल जाएगा 4 से 5 दिन, अच्छे से चल जाएगा। अगर एक जने पी रहे हैं घर में तो 7-8 दिन चलेगा, अगर आप पूरी फैमिली पकड़ लो, आप 3-4 जने हैं फैमिली में और 2 से 3 बार पी रहे हैं तो ये 3 से 4 दिन तक चलता है। फिर आप उसके बाद नया बना लीजिए, ज़्यादा पुराना नहीं करना है, ज़्यादा पुराना करने से फिर उसमें कीटाणु पुराना हो जाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसे बनाना है और पीना। गिलोय के ऊपर मेरी ये छोटी सी जानकारी, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताना ज़रूर, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और भी छोटे छोटे चीज़ें जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ, फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। ये रही अनुष्का, घंटी भी बजा देना। हाँ, ये सुबह घर में नहीं थी, अभी फ्रेंड के घर गई हुई थी। हाँ, सुबह मेरे वीडियो में नहीं थी ये, तो ये अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी,
तो फ्रेंड्स चलो बाय, फिर मिलती हूँ।